Next question. Question says a pulley is attached to the ceiling of a lift moving upwards. Two particles are attached to the two ends of a string passing over the pulley. The masses of the particles are in ratio 2 is to 1. If the acceleration of these particles relative to the lift is g by 2, दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देन द एक्सलेशन ऑफ द लिफ्ट विल बी, हमारे ऑप्शन है जी, जी बाई टू, जी बाई थ्री या फिर जी बाई फोर. अपना सिनेरियो जो है वो कुछ इस तरह का है कि ये आपकी लिफ्ट, और इस लिफ्ट पे आपने एक पुली को ऐसे लटकाया हुआ है, और पुली के ऊपर दो मास लगे हुए हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m कह लेते हैं, इसका मास 2m है, राइट. और ये लिफ्ट आपकी a एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है. अपने को ये दिया हुआ है कि अगर हमने कलर चेंज करते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखे, अगर हमने एक बंदे को मान लो यहाँ पे बैठा दिया और उसको कहा कि इसके फ्रेम में, अब इसको कहा कि भाई इन दोनों का एक्सेलेरेशन क्या है, तो इस बंदे ने हमें रिपोर्ट किया कि क्योंकि इसके फ्रेम में इस एक्सेलेरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसने हमें कहा इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, ये आपका 1 और ये 2 कह लेते हैं. तो इसने कहा कि एक्सेलेरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू प्लस जी बाय 2. लेट से हम ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस कह देते हैं, ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया कि ऊपर पॉजिटिव है, नीचे डायरेक्शन नेगेटिव है आपका, राइट. सो इसने कहा कि एक्सेलेरेशन ऑफ 1 हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू पुली इज जी बाय 2, और एक्सेलेरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली इज माइनस जी बाय 2. उसने कहा भाई एक पार्टिकल ऊपर जी बाय 2 से जा रहा है, दूसरा माइनस जी बाय 2 से जा रहा है. अगर लिफ्ट का एक्सेलेरेशन आपका ए है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ 1 इन ग्राउंड फ्रेम माइनस ए इज इक्वल टू प्लस जी बाय 2, एक्सेलेरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ पुली विच इज ए इज माइनस जी बाय 2, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसको हम ग्राउंड फ्रेम में लिख रहे हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू आपका ए प्लस जी बाय 2, एंड एक्सेलेरेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू आपका ए माइनस जी बाय 2. ये आपके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपके एक्सेलेरेशन आ गए. नाउ अगर हम कहें कि अपनी रस्सी में टेंशन टी है, और इस केस में अब अगर हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिखें एफ पी डी बना के दोनों ब्लॉक्स का, और उसकी इक्वेशन लिखें, कलर फिर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो उस केस में इस ब्लॉक के लिए ग्राउंड फ्रेम में हम लिख सकते हैं ऊपर, अच्छा हम इक्वेशन लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो इसके ऊपर जो आपका फोर्स लग रहा है उसको हम कहेंगे टेंशन, उसका जो फोर्स लगा माइनस एम जी, एम जी आपका इसमें नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, विल बी इक्वल टू इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसका एक्सेलेरेशन विच इज ए वन, और उसकी वैल्यू लिख देंगे हम ए प्लस जी बाय 2. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. इक्वेशन नंबर 2 इस ब्लॉक के लिए हम लिखेंगे, उसको हम कहेंगे नीचे जो फोर्स लग रहा है आपका वो होएगा 2mg माइनस ऊपर वाला फोर्स विल बी इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस जी बाय 2. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. ना इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टेंशन की सुपारी हो जाएगी, टेंशन आपका उड़ जाएगा. सो अब हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, राइट. तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे सो ये आपका इक्वेशन ऐड होके ऐसे हो जाएगा. तो ये बना आपका लेफ्ट हैंड साइड 2mg माइनस m जी, लेफ्ट हैंड साइड ये आया आपका, विल बी इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अंदर ले जाएंगे इसको, ये बना आपका एम जी, पहले वाला आएगा एम ए प्लस एम जी बाय 2 प्लस, इसको अगर हम 2m से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा आपका 2m ए, ये कुछ नहीं है ना, माइनस आपका ये आएगा एम जी बाय 2, राइट. लेफ्ट हैंड साइड आपका ये बन गया एम जी इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका एम ए प्लस 2m ए, यानी कि बन गया आपका 3m ए, और ये एक मिनट, एम जी बाय 2 नहीं आना चाहिए, ये एम जी होना चाहिए, 2m से जब मल्टीप्लाई होगा एम जी बनेगा, तो ये बना माइनस एम जी बाय 2. नाउ इसको अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3m ए इज इक्वल टू, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m जी बाय 2, 3 आप 3m कैंसिल कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज अपना फाइनल आंसर ए, एक्सेलेरेशन ऑफ पुली, ये जो आपका है पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू जी बाय 2, एंड दैट विल बी आर फाइनल आंसर. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर.